आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। इस पद की खबर हम आपको बता दें, जो पूर्णिया जिला के बाईसी प्रखंड के बाईसी दुर्गा मंदिर के पास NH 31 तथा NH 57 के मोर्चे पर भारी संख्या में लोग शामिल होकर 9 बजे सुबह से 2 बजे तक सड़क जाम रखकर NRC NRP CA के विरोध प्रदर्शन कर मोदी योगी और अमित शाह को कोसते हुए कहा कि काला कानून को वापस लें, वरना जिस तरह हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ 100 वर्षों में अंग्रेज को भगाया है, उसी तरह एक साल में मोदी जी तुम्हें भी अखा देंगे, जिसमें वर्तमान बाईसी मुखिया मतीउर रहमान, हरितोर मुखिया मोहम्मद मकसूद हुसैन, शहनवाज आलम आदि शामिल रहे। पूर्णिया से बालकिशोर यादव की रिपोर्ट। ये मुल्क आजाद हुआ है, ये कोई ऐसे ही आजाद हो गया है, तुम हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह। अरे अंग्रेज को भगाने में हमको जो है 100 साल लगा था, अल्लाह की कसम, अल्लाह से, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके कहते हैं तुमको भी भगाएंगे, अगर 1 साल लगा तो तुमको भी भगा के रहेंगे, या हम तुमको रखेंगे नहीं। और हिंदू मुसलमान मोहब्बत के साथ हम यहाँ पर हैं और यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिएंगे। तुम कहते हो हम तुमको गोलियां मारेंगे, लाठियां मारो, पत्थर मारो, गोलियां बरसाओ, हम अपना सीना खुला रखेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती को कभी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हाफिज। हरिंदौर पंचायत का मुखिया मोहम्मद मकसूद हुसैन, आज हम लोग माँ बहने सब इकट्ठे हुए हैं NRC के खिलाफ में, और हम लोग ये अभियान जारी रखेंगे। ये तो तादाद कम है, इसके 4 गुना तादाद हम लोग यहाँ लाएंगे। इसके लिए जो भी जान का कुर्बानी देना पड़ेगा कुर्बानी देंगे, और हम लोग अपना हक लेके, हिंदू मुस्लिम हक लेके रहेंगे। ये मोदी, ये योगी, ये अमित शाह, ये NRP CA ये वापस ले, नहीं लेगा तो ये अभियान चलता रहेगा। यहाँ पर हम लोग रोड पर घर बनाएंगे, बोल्डर से पुल को जाम करेंगे, जितना बोल्डर है सब पुल पर जाम करेंगे, देखे कैसे हटा कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान, और ये सरकार जो काला कानून लाया है इसके खिलाफ में हम लोग कई बार से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और मुसलसल धरना चल रहा है पिछले 18 तारीख से, और आज जो चंद्रशेखर जी का जो आह्वान था उस पर हम लोग भारत बंद के लिए जो है यहाँ हम लोग बैठे हैं, भारत बंद जो करना था हम लोग किए हैं, और जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है ये लगातार हम लोग का जारी रहेगा। आप सर, आप कुछ कहिए। मेरा नाम अफरोज आलम हुआ, ये भीम आर्मी सेना की तरफ से आप प्रतिनिधि हैं। हाँ प्रतिनिधि हैं, बताइए अपना। जिला परिषद प्रतिनिधि है पूर्णिया से। ये जो भीम आर्मी सेना की तरफ से ये जो बंद का आह्वान किया गया है, जो कि पहले भी एक बार 29 जनवरी को मेरे ख्याल से किया गया था, और हम लोग उसको भी पुरजोर कामयाब बनाए थे, हम लोग इसको भी बना रहे हैं, और ये संविधान की लड़ाई है। संविधान की लड़ाई में जो भी पार्टी जिस तरह का भी आह्वान करेगी हम लोग धरना देते रहेंगे, जब तक ये काला कानून को वापस नहीं लेता ये सरकार। ये सरकार की जो आइडियोलॉजी है, आज डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं हिंदुस्तान आ रहे हैं, और उनको गरीबों को हटाने के लिए जो है, गरीबों को हटा करके एक तरह से दीवार बना करके वो जो दिखाने का काम कर रहा है, वो इस तरह की नीति और इस तरह का जो ये करके काला कानून को ला करके एक तरह का पॉलिश मारना चाहता है हिंदुस्तान में। ये इस तरह की पॉलिश को हम लोग दिखाने के लिए सड़कों पर आए हैं, और हम लोग दिखाएंगे भी कि ये काला कानून को आप वापस लो, नहीं तो अन्यथा हम लोग आज 2 महीना से अधिक हो गया, 3 महीना होने जा रहा है, हम लोग इस कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक। ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि आजादी के बाद दूसरी बड़ी अगर कोई लड़ाई है हिंदुस्तान में तो ये CA और NRC और NPR को लेकर के। हम लोग NPR को किसी कीमत पर भी बिहार में लागू होने नहीं देंगे, और नीतीश कुमार को भी इस बात को संज्ञान में लेना होगा कि वो सदन के अंदर इस तरह का बिल को पास न करे और इसके विरोध में पास करे। जय हिंद। हमारे मुखिया जी हैं, बाईसी मुखिया, बोलिए इसको भी लगाइए। आराम से। बाईसी पंचायत का मुखिया जी हूँ, और यहाँ धरना प्रदर्शन में आया हूँ, और हम लोग NRC CA के विरोध में आया है। जब तक ये नीतीश और मोदी और अमित शाह जब तक ये कानून को वापस ना करता है तब तक हम लोग धरना जारी करते रहेंगे। और धरना जो है आज भीमराव का ये बंधा पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान, इसीलिए हम लोग उसके आह्वान पर हम लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, उसके आह्वान पर जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, आज हम लोग
उसी को कामयाब करने के लिए यहाँ पर भारत बंद करने के लिए यहाँ पर एनएच जाम किए हैं। हालांकि आज जो ये भारत में काला कानून लगा है एनआरसी एनपीआर और सीएए, इसके खिलाफ मैं पूरे हिंदुस्तान में जो बात चल रही है और शाहीन बाग के तर्ज पर हम लोग बायसी में भी 18 जनवरी से लगातार धरने पर बैठे हुए, लेकिन वो जमजम मार्केट में बैठे हुए, आज जो यहाँ पर बैठे हुए वो भारत बंद था चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर जो आरक्षण का बिल खत्म कर रहा है, जो आरक्षण खत्म कर रहा है दलितों का, और सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ में ही आज भारत बंद किया था। हम उसको कामयाब करने के लिए यहाँ पर बायसी की जनता, यहाँ के माओ बहन, बूढ़े बुजुर्ग भाई बच्चे तमाम लोग यहाँ पर रोड में बैठे हुए हैं और 9 बजे से लेकर अभी तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा इस तरह का आंदोलन चलता रहेगा। और जब भी जो नेता जो पार्टी भी हमारी बात उठाएंगे, हम उनके आह्वान पर जब जब भारत बंद करना होगा हम लोग करेंगे। सर आप अपना परिचय बताइए।